आई नो इस रिव्यू के लिए मैं थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन कुछ पर्सनल इशूज है जिसके वजह से वीडियो जो है रेगुलर नहीं बन पा रही है। बहुत सी ऐसी चीज है जो कि काफी ज्यादा मिस हो रही है, तो सो फिलहाल अभी थोड़ा सा ऐसा चलेगा, लेकिन मैं टेलीग्राम पे एक्टिव रहता हूँ। वहाँ पे जो भी छोटी बड़ी अपडेट्स मुझे मिलते हैं मैं आपको सबसे पहले वहाँ पे दे देता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लो। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले चैनल ड्रामा जो कि कुछ दिन पहले अमेजोन मिनी टीवी पे रिलीज करी गई थी, जिसका नाम है द गर्ल हु सीज अ स्मेल। ड्रामा जो यूथ कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड है, जिसको पूरी तरीके से देखने के लिए आपको 24 एपिसोड देखने पड़ेंगे, जिसकी रनिंग टाइम 30 से 35 मिनट के अराउंड में रखे प्रेजेंट करी गई है। अगर ड्रामे के अंदर स्टोरी की बात करें तो इसमें आपको स्टोरी देखने मिलता है एक लड़की जिसका नाम होता है लूफेन। लूफेन का सपना होता है सुमेलियर बनना। अभी वो एक वाइन शॉप में एज ए सेल्स गर्ल काम करती है। अभी एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है सुमिंग चेन। अब जो सुमिंग चेन है वो एक कंपनी का CEO है। अब सुमिंग चेन को एक बहुत ही खतरनाक से रेयर बीमारी है, जिसके वजह से उसकी जो एज है दिन पर दिन घटती जाती है, यानी कि 30-32 की एज में वो 19-20 का दिखाई देता है, और इस बीमारी की वजह से कभी भी उसका डेथ हो सकता है। लेकिन जब वो लूफिंग से मिलता है तो एक्सीडेंटली उन दोनों की किस हो जाती है, और उस किस के वजह से जो स्विमिंग है वो ठीक होने लगता है। और इस बात का जब स्विमिंग को पता चलता है तो स्विमिंग क्या करता है, उसको कि लूफेन को वो अपनी GF बनाना चाहता है। सो बेसिकली हमें ड्रामे में यही देखना है कि अब आगे क्या होगा, जो सुमेन है वो लूफेन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए क्या क्या चीजें करता है, और क्या वो ठीक हो पाता है, यानी कि उसकी जो बीमारी वो ठीक होती है या फिर नहीं होती, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम ड्रामे की डबिंग की बात करें तो जो ड्रामे की डबिंग है वो अच्छी करी गई है, पर अगर हम ड्रामे की कहानी की बात करें तो ड्रामे की कहानी में तुम्हें कुछ भी नया देखने नहीं मिलता। इस तरह के कॉन्सेप्ट पे ऑलरेडी तुमने मिनी टीवी पे ही कई सारी चाइनीज ड्रामे देखा होगा। इसके अंदर अपना हीरो साहब किसी कंपनी का बॉस होता है, उसे कुछ ना कुछ रेयर किस्म की बीमारी होती है, और उसका इलाज करने वाला कौन होता है तो फीमेल लेडी। हीरो जो है उसकी जो बीमारी खत्म होगी उसको हग करने से, उसको किस करने से। मोस्टली जो चाइनीज ड्रामे होते हैं ना उनकी जो कॉन्सेप्ट होती है इसी तरह से सेम होती है। बाकी जिन लोगों ने उस ड्रामे को नहीं देखा है और इसको पहली बार देख रहे हैं, यानी कि इस कॉन्सेप्ट पे बने ड्रामे पहली बार देख रहे हैं, तो ये जो ड्रामा है उनको पसंद आएगी। बाकी जिन लोगों ने देखा है उनको समझ में आ जाएगा कि इसकी जो कॉन्सेप्ट है सेम ही है, इसमें कुछ नया देखने नहीं मिलता। बाकी ड्रामे में जो भी करेक्टर्स लिए गए हैं काफी ज्यादा बिग लगेगी, और ड्रामा आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ड्रामा के जो प्रेजेंटेशन है वो काफी ज्यादा वीक है, जो भी करेक्टर लिए गए हैं उनकी जो डेवलपमेंट करी गई है वो भी काफी ज्यादा वीक है, जो कि आपको बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करती है। अब पता नहीं समझ में नहीं आता कि चाइना वाले के पास कोई कहानी बची ही नहीं है क्या, सभी एक दूसरे को कॉपी करने में लगे हुए हैं। तो देखो अगर तुम लोगों ने इस तरह के कॉन्सेप्ट पे बने ड्रामा पहले नहीं देखा है ना, तो अभी जाकर ड्रामे को देखना, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रामा तुम्हें बोर करती है, लेकिन अगर तुमने देखा है ना तो प्लीज इस ड्रामे से दूर रहो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। बिकॉज ड्रामे के अंदर जो भी करेक्टर्स है ना उनकी जो फेस रिएक्शन है भाई सब बहुत ही ज्यादा फेक लगेगी। कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, अगर तुम लोग ड्रामा देख रहे हो तो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना, और नहीं देखा तो जाकर के चेकआउट कर सकते हो, अगर ठीक लगे तो देखना, अदरवाइज तुम्हें स्किप भी कर सकते हो। बाकी तुम्हें और भी नए नए कोरियन चाइनीज ड्रामे के बारे में जानना है तो तुम इस वाले वीडियो को देखो, और मैं मिलता हूँ तुमसे वहीं पे। और हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।